नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश में जहां एक तरफ खतरनाक कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े, शमशान घाट में लाशों की लाइन लगी हुई, इसके बावजूद लोग कोरोना को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। त्रिपुरा में तो और भी बुरे हालात हैं, जहां प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिससे कोरोना की चेन तोड़ी जा सके। लेकिन पश्चिम त्रिपुरा जिले में लोग इस कदर लापरवाह नजर आए कि रात 10 बजे के बाद भी धड़ल्ले से शादी समारोह चलता रहा, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, जैसे मानो पुलिस प्रशासन का किसी को कोई डर ही नहीं है। नाइट कर्फ्यू किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में उड़ाई जा रही धज्जियां देखकर वहां के डीएम शैलेश यादव का पारा इस कदर हाई हुआ कि उन्होंने बारातियों से लेकर घरातियों तक सबकी बैंड बजा कर रखी। इस दौरान लोगों ने शादी की परमिशन के कागजात भी दिखाए, लेकिन भड़के डीएम शैलेश ने तुरंत परमिशन के कागजात फाड़ कर हवा में उड़ा दी और कहा कि परमिशन शादी के लिए ली, 10 बजे के बाद शादी समारोह की नहीं। Not for marriage beyond 10 p.m. Okay? You people are educated. पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। चलो बाहर निकलो, सभी लोग बाहर निकलो, बैंड बाजा बाहर। पुलिस कहाँ है? डीएम शैलेश ने यहाँ तक कि दूल्हे के साथ भी बुरा व्यवहार किया। जो भी उनके सामने सफाई दे रहा था, किसी को नहीं बख्श रहे थे, सबको गिरफ्तार कर रहे थे। नाम बोलिए, मास्क नहीं है, 10 बजे के बाद कर्फ्यू है। किसने परमिशन दिया आपको? नहीं सर, सर के लिए सभी लोगों को अभी लेके आइए। हम लोग पहने हुए हैं। अरे मास्क के लिए नहीं बोल रहे हम, के लिए। अचानक रेड मारने पहुंचे डीएम शैलेश यादव पूरे मैरिज हॉल में खुद लोगों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाल रहे थे। इस दौरान जो भी जुबान लड़ा रहा था, उन पर पुलिस का डंडा बरस रहा था और ये आदेश खुद डीएम शैलेश दे रहे थे।
बारातियों और घरातियों को कानून का पाठ पढ़ा रहे डीएम शैलेश यादव को एक शख्स ने ये कहकर टोक दिया कि मैं एक सर्जन हूँ, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। इस बात पर तो डीएम शैलेश जैसे भड़क गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इसे भी गिरफ्तार करो। महिलाएं गिड़गिड़ाती रही लेकिन डीएम ने एक न सुनी, तुरंत गिरफ्तार करवा दिया। डीएम शैलेश के गुस्से का शिकार सिर्फ घराती और बाराती ही नहीं, खुद पुलिस कर्मियों को भी होना पड़ा। एक पुलिस कर्मी को उन्होंने गिरफ्तार लोगों की गिनती करने को कहा तो उसने मना कर दिया, जिस पर डीएम साहब पुलिस कर्मी पर ही टूट पड़े और बोले, मैं तुम्हारा डीएम हूँ, अभी तुम्हें भी सस्पेंड करवा दूंगा। And they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. So how many people? And I will also recommend to the government to suspend OC of the West Agartala Police Station because he has not acted upon repeated complaints of people. And I, as a district magistrate, had to come here. This is very shameful on the part of the police that they behaved like this. So how many people were arrested? Now they will count. कितने लोग हैं इधर? Count करके बोलो. तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ, तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं, चलो वरना तुम भी जाओ उसके साथ। सस्पेंस नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो, आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके, व्हाट इज योर नेम, तुम भी जाओगे उसके साथ। तुम लोग साले ब्लडी, यू ऑल आर हैंडिंग ग्लव्स विद दिस पीपल। काउंट एंड टेल मी, दिस इज माय कमांड एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, काउंट। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी डीएम शैलेश का पारा भी बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं। मैरिज हॉल में अपना रौद्र रूप दिखाने के बाद डीएम जैसे ही बाहर आए तो बाइक सवारों पर टूट पड़े। एक बाइक पर तीन तीन लोग सवारी कर रहे थे, उन लोगों को भी डीएम ने अच्छी तरह से कानून पढ़ाया। जिस तरह से डीएम साहब एक्शन ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी छपास की बीमारी, क्योंकि जैसे जैसे वो एक्शन ले रहे थे कैमरा भी उनके साथ साथ चल रहा था। इतना ही नहीं, फोन पर वो ये तक कहते सुने गए कि कोई भी न्यूज चैनल खोले आपको मैं दिखूंगा। ओपन एनी न्यूज चैनल, ओपन एनी न्यूज चैनल, जिस तरह से डीएम शैलेश यादव ने लोगों के साथ बर्ताव किया, उनकी इस कार्रवाई की कई वीडियोस मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक खूब वायरल होने लगी। जिसने भी डीएम साहब की ये वीडियो देखी, तारीफ करने की बजाय सभी ने जिलाधिकारी के रवैये के खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर दिए। यूजर्स ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए जिलाधिकारी के रवैये की निंदा की और कहा कि प्रशासन को सिर्फ आम लोग ही दिखते हैं कार्रवाई के लिए, नेता नहीं। चौतरफा आलोचना के बाद आखिरकार जिलाधिकारी शैलेश यादव ने माफी मांगी।
उन्होंने कहा कि शादी रुकवाने के लिए माफी मांग ली है और कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने मुख्य सचिव मनोज कुमार से घटना को लेकर रिपोर्ट तलब करने को कहा। बहरहाल एक बात तो साफ है कि नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन तो तोड़ी गई, लेकिन जिस तरह से डीएम ने बारातियों और घरातियों को तोड़वाया और उनके साथ बर्ताव किया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Don't talk to me like this. I'm a surgeon. You catch all of this guy? Off cutting, call me 7 on duty.